जहाँ पे आज रामगढ़ सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में एक बीएसएफ के जवान घायल हुए थे, वो हमारे पास रिपोर्ट किया लगभग 1 बजे की, तो उसको हमने जितना भी वो जहाँ के ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता था उनको अच्छे से ट्रीटमेंट देख के, हमारी टीम पूरी अवेलेबल थी, हमारे कंसल्टेंट लेवल तक भी पूरी टीम अवेलेबल थी, एडिशनल स्टाफ सारा अवेलेबल था, और उन्होंने बड़ा अच्छे से, क्योंकि हमें पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है जिसमें इंजरी हुई है, तो हम पूरे अलर्ट में थे और उनको हमने अच्छे से ट्रीटमेंट दे के थोड़ा स्टेबल करके फिर हमने रेफर किया उनको मिलिट्री हॉस्पिटल जम्मू में सतवारी। तो अभी तो यहाँ से जब गए हैं तब तो उनकी कंडीशन स्टेबल। मेरा नाम सर मोहन सिंह भट्टी है, मैं पीआरआई मेंबर भी हूँ अपने गांव का। ये तकरीबन 12-20 मिनट की बात है, मैं अभी सोया नहीं था, तो पहले इससे पहले एक दो धमाका हुआ है, छोटा था, डमी था, उसके बाद मतलब एमएनजी की फायरिंग स्टार्ट हुई है, उसके बाद काफी बड़े बड़े धमाके भी हुआ, हमारा गांव पूरे का पूरा हिल चुका था, और जो ही आवाज स्टार्ट हुआ है हमारे लोग तकरीबन यूज हो गया, इन लोगों को पता है हमारे गांव में बंकर भी काफी है, लोग बंकरों में हो गए, हमने आवाज दी कि अपने लाइटें सारी अपने ऑफ कर लो और अपने अपने डिफेंस हो जाओ, अंदर हो जाओ। उसके बाद जो फायरिंग 12-20 मिनट से तकरीबन 1 बजकर कोई 5-10 मिनट तक ना, तकरीबन 1.25 घंटा काफी फायरिंग हुई है, उसमें काफी बड़े धमाके भी हुए हमारे गांव के पास भी, लेकिन ये है कि भगवान की कृपा रही कि ये मैनो लास्ट हमारा नहीं हुआ। माहौल ये है कि मैक्सिमम जमीने बॉर्डर पे है, तो बीएसएफ वाले बताते रहते भी आगे नहीं आना, तो उससे हमें पता चलता रहता है कि अभी जो बड़ा क्रिटिकल माहौल है, तो एक किस्म की दहशत सी बनी है, और खासकर हमारे जो किसान लोग हैं, हमारी सारी की सारी फसल बर पक्की पड़ी है, तो लेबर भी ना मिलने से कमाने वाले भी नहीं मान रहे, तो एक दहशत भी है, यहाँ दहशत भी है, वहां ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो कटाई है हमारी सारी की सारी पड़ी है, उसको कैसे किया जाएगा।